नहीं, अब भी बोलो बोलो कि भाई गाली नहीं दो बाबर आजम को। बाबर आजम हमारा अल्ट्रा लेजेंड प्रो मैक्स है भाई। बाबर आजम ने पूरी तरीके से ठान लिया कि पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किस तरीके से करना है। इंतहाई मनहूस, इंतहाई वाहियात किस्म की टीम जो है वो अनाउंस की है पाकिस्तान ने और बाबर आजम ने। बहुत मैं बोलूंगा यार, ये घंटा हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा कसम से। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी जब मैं बाबर आजम का इतना बड़ा फैन था, वरना बाबर आजम ने जितनी वाहियात पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क किया है आज तक किसी ने नहीं किया यार। इतने ये स्क्वाड है आपका वर्ल्ड कप का। अबे भाई ये आपका लोकल टूर्नामेंट PSL नहीं जीत सकते, ये स्क्वाड आपका वर्ल्ड कप जीतेगा? ये स्क्वाड आपका इंडिया में भेज रहे हो भाई? मैं तो कहता हूँ नेदरलैंड वाले इनको पेल देंगे यार, जितनी गंदी क्रिकेट ये लोग पाकिस्तान वाले खेल रहे हैं स्क्वाड के साथ। ऊपर से तुमने एक महापुरुष का कमबैक करवा दो, 3 साल से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला आपका, उसको आप स्क्वाड के अंदर। पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि इनको पता है। देखो भाई आज पाकिस्तान का स्क्वाड इंतजामुल हक ने हमारे मुंह पर मारा है। मैं ये नहीं बोलूंगा अनाउंस किया, क्योंकि भाई सिंपली तौर के ऊपर हमारे मुंह पर मारा है। और ये स्क्वाड घंटे बाबर आजम का दिया हुआ स्क्वाड है, ये स्क्वाड इंतजामुल हक या फिर किसी और ने नहीं बनाया है। पब्लिक स्क्वाड चीख चीख कर पब्लिक थक गई, गला सूख गया, मतलब गले में इतना तो उसका वो अपना कौन है एलेक्स स्टार, उसका जो एलेक्स स्टार महास्त्री हैं, उनका एक इतना गला नहीं सूखा होगा जितना हमारा गला सूख गया ये बोल बोल के। भाई खुदा का वास्ता पाकिस्तान टीम के अंदर चेंजेस करो चेंजेस करो चेंजेस करो, कभी कह रहे हैं 1 चेंजेस 2 चेंजेस 3 चेंजेस 5 चेंजेस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने लंड मार दिया हमारे मुंह के ऊपर। इतनी कोई वाहियात किस्म की टीम अनाउंस की है इसके ऊपर जरा टीम पहले मैं आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पर वही पुराने घिसे पीटे पुराने 100 साल पुराने जो फखर जमान है, बिल्कुल 13 इनिंग में कोई 50 स्कोर नहीं कि फिर भी वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर शामिल है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ पर इसकी जगह पर मुझे लगता है अगर शान मसूद होते ना, जो उसका इंटेंस नजर आ रहा था रिसेंटली श्रीलंकन सीरीज में, अगर वो होते तो वो ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकते थे बजाय फखर जमान के। और इंडियन पिचेस जो है वो शान मसूद को बहुत ज्यादा पसंद भी है, बहुत सेक्सी लगती है उसको। फिर यहाँ पर फखर जमान पाकिस्तान के साथ हैं, फिर यहाँ इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, ये 3 पाकिस्तान के ओपनर हैं। और अगर आप ओपनर के बाद लोअर ऑर्डर की बात करते हो तो वहां पर आपके बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद है, सऊद शकील है, ये पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर होगा। यानी कि यही पाकिस्तान के पास आप प्लेयर्स बच गए, ना इसके अंदर सरफराज अहमद है ना ही इसके अंदर इमाद वसीम है। यार शर्म आनी चाहिए, इन दोनों की जगह तो डेफिनेटली बनती थी, भले आमिर को गोली मारो यार आमिर को लंड पे चढ़ाओ, लेकिन ये जो सरफराज अहमद है इसकी तो जगह बनती थी ना साफ तौर के ऊपर। ये आपका इस टाइम पे मेन आपका प्लेयर है, वन ऑफ द बेस्ट आपका इस टाइम पे विकेट कीपर है, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, अभी रिसेंटली कायद अजम ट्रॉफी में बढ़िया परफॉर्मेंस है, फिर भी आप उसको शामिल नहीं कर रहे हो। और उसके बाद आपके यहाँ पर कौन आते हैं हमारे खूबसूरत से ऑलराउंडर्स, जिसके अंदर शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है और उसामा मीर है। यार ये ऑलराउंडर्स हैं, अबे भाई इनको ना बॉलिंग आवे ना बैटिंग आवे ना इनसे कुछ होवे, पता नहीं किस किस बुनियाद के ऊपर आपने इनको टीम के अंदर रखा है यार। यहाँ पर नवाज और शादाब की जगह पे 100% इमाद वसीम आ सकता था, अगर आपने उसामा मीर को खिलाना भी था, क्योंकि आपके पास स्पिनर का काल पड़ा हुआ है पूरे तरीके से, अगर आपने उसामा मीर को खिलाना भी था तो आप साफ तौर के ऊपर जो है यहाँ पर चेंजेस करके आराम से शामिल कर सकते थे इमाद वसीम को कसम से। फिर बेड़ा फिर बोलते हो यार बुट्टा गाला कट दे, बुट्टा गाला नहीं कटता, उसी गाला खाने दे लायक हो यार कसम से। इंतहाई वाहियात स्क्वाड है पाकिस्तान का। फिर यहाँ पर पाकिस्तान के आप कह लो बॉलर्स की बात करेंगे तो बॉलर्स में पाकिस्तान के वैसे ही लौड़े लगे हुए हैं। नसीम शाह क्या गया, पाकिस्तान ने तो यहाँ पर हाथ धो लिए कि भाई हमसे बॉलिंग ना होवे, हम माफ़ी चाहते हैं भाई साहब, हमारा काम ना है क्रिकेट खेलना। क्योंकि यहाँ पर आपके पास बॉलर में वसीम जूनियर है, हसन अली है, शाहीन जाफरीद और हारिस रोक, यार ये पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं कसम से। भाई दिल करता है चप्पल उठा के मारी जाए जिसने स्क्वाड को बनाया, और वो बंदा आपको पता है कि घंटा ही है जिसने पाकिस्तान टीम का कर दिया है। फिर रिजर्व प्लेयर की बात करें तो रिजर्व में आपने जमान खान को रखा, आपने यहाँ पर हमारे खूबसूरत से इब्रार अहमद को रखा, और आपने यहाँ पर मोहम्मद हारिस को रखा। ओ भाई मोहम्मद हारिस ने नहीं रखना था, नहीं रखते यार, लेकिन कम से कम उस बंदे को आप इस 15 रुकनी स्क्वाड में तो रख लेते यार, मतलब सरफरा देते यार, मतलब कुछ पाकिस्तान अभी एक विकेट कीपर अगर इंड कप में तो कसम से पाकिस्तान के पास कोई विकेट कीपर जीवो गरीब चूतिया टीम बनी हुई है पाकिस्तान की यार, जिसके अंदर नहीं है कोई पता नहीं है कि भाई कौन कब कहां से आ जाए क्या हो जाए। हसन अली को आप लोगों ने शामिल कर लिया, कोई शर्म है की चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम हो चुकी है। स्क्वाड मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड कप तो क्या पाकिस्तान का कोई लोकल टूर्नामेंट भी नहीं जीत सकता। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।